आपका स्वागत है, मैं हूँ प्रियांशी। रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। कल एशियन इंडिया समिट में हिस्सा लेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। बिहार चुनाव में हार पर बोली कांग्रेस, हमारा स्ट्राइक रेट कम, ये समीक्षा का विषय। बिहार चुनाव पर गिरिराज सिंह बोले, नीतीश कुमार ही एनडीए के नेता। दिवाली से पहले सुलझ सकता है लद्दाख सीमा विवाद, भारत चीन में कई मुद्दों पर सहमति। बिहार चुनाव में जदयू नेता केसी त्यागी बोले, चिराग पासवान एनडीए के दुश्मन नंबर एक। बिहार के सीवान में चुनाव नतीजों के बाद भिड़े भाजपा राजद कार्यकर्ता, कई हुए घायल। जदयू नेता अशोक चौधरी बोले, नीतीश के नाम पर लड़ा गया चुनाव, वही बनेंगे मुख्यमंत्री। बिहार चुनाव पर चिराग बोले, मैं नहीं चाहता नीतीश बने सीएम, बीजेपी जेडीयू को ही करना है तय, लोगों ने पीएम मोदी के नाम पर दिया वोट। पटना में बीजेपी दफ्तर के आगे लगे पीएम मोदी के पोस्टर, लिखा गया धन्यवाद बिहार। केंद्र सरकार का आदेश, I&B मंत्रालय की निगरानी में आएंगे सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 44,281 नए मामले, कुल केसों की संख्या 86,36,012 पहुंची। बिहार चुनाव के रिजल्ट ने बढ़ाई लालू यादव की चिंता, डॉक्टर बोले सुबह से मायूस हैं। दिल्ली में एनकाउंटर के बाद पकड़ा गया 6 लाख का इनामी बदमाश हाशिम बाबा। देश में 106 दिन बाद 5 लाख के नीचे पहुंची कोरोना के एक्टिव केसों की तादाद। अमेरिका में कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, 24 घंटे में 2 लाख से अधिक मामले। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को 125, महागठबंधन को 110 सीटों पर मिली जीत। एम्स डॉक्टर का बयान, दिल्ली में बढ़े कोरोना के केस, सुपर स्प्रेडर इवेंट बने कारण। दिल्ली सरकार ने 31 दिसंबर तक बढ़ाई परिवहन से जुड़े परमिट की वैधता। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहे न्यूज इंडिया से।